जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने क्रूज के संचालन पर कहा कि हमारी तरफ से क्रूज के संचालन की तैयारी कर ली गई है। जिस टीम को एनओसी देना है वो आने वाली है। निरीक्षण करने के बाद टीम एनओसी दे देगी, उसके बाद क्रूज के संचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के द्वारा क्रूज का शुभारंभ करवाया जाएगा, उसके बाद गोरखपुर के नागरिक इसका आनंद ले पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कहा, हमारी तरफ से रेडी है, आज संभवतः वो टीम जिसको एनओसी प्रोवाइड करना है वो आएगी। उसके बाद हम लोग शीघ्र ही आप लोगों को सूचित करेंगे समय लेकर के सर का कि कब इसको इनॉग्रेट कराएंगे।